नौकरी का झांसा देकर दलाल ने की 5,80,000 रुपए की ठगी। थाना नौगावा सादात के गांव देहरा निवासी विपिन कुमार पुत्र दयालु सिंह ने आरोप लगाया है कि सोमपाल भंडारी व अंकुर पुत्र सोमपाल भंडारी निवासी ग्राम अव्वलपुर तहसील नौगावा सादात ने मुझे नौकरी का झांसा देकर 5,80,000 रुपए ठगे। अधिकारी के अनुसार विपिन कुमार ने बताया कि नौकरी के लिए मैंने 1 बीघा जमीन बेचकर तथा कुछ पैसा घर से करके अंकुर पुत्र सोमपाल भंडारी को दिए थे। काफी समय बीतने के बाद जब किसी प्रकार की नौकरी नहीं लगी तो मैंने पैसे अंकुर से मांगे। अंकुर व उसके पिता सोमपाल भंडारी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक अमरोहा को विपिन कुमार ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम देहरा। अच्छा ये बताइए, आज जो ये कप्तान ऑफिस आए, क्या मामला है? कप्तान ऑफिस सर इस वजह से आए हैं, हमारे पैसे जो है नौकरी का झांसा देकर 6,60,000 रुपये ले लिए थे, मैंने अपनी जमीन बेच कर दिए थे सर। अच्छा ठीक है सर। और मैंने जो है एग्रीमेंट, उनका जो लड़का था और रहने वाले वो निवासी ग्राम अव्वलपुर के हैं, उनका बेटा जो है अंकुर कुमार, वो जो है आया 5,80,000 रुपये मैंने उनको दिए थे, जिसमें एग्रीमेंट में उनका लड़का है साथ में तहसील में। उसके बाद जो है उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा ज्वाइनिंग आ जाएगा, और ज्वाइनिंग दे के उसके बाद वो जो है हमने कहा कि भाई ज्वाइनिंग तो तुम्हारा फर्जी लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि फर्जी ना है ऐसी आता है, मतलब कि तो नेट पे है, तो उन्होंने कहा कि नेट पे नहीं आते हैं ये, तो मतलब कि भाई ऐसा तो मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने फर्जी नहीं है सही है। तो मैंने कहा उससे मतलब कि चल पैसे ले ले, ठीक है ज्वाइनिंग दे दिया उसने, पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद मैंने उससे, हम गए वहाँ तो वहाँ से हम आर्मी वालों ने भजा दिया, और भजाने के बाद फिर कहा कि चले जाओ सालों बहुत मारेंगे, ये ज्वाइनिंग फर्जी है तुम्हारा, और हम वहाँ से भज आए। फिर मैंने उससे कहा कि भाई मेरे पैसे दे, तो उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है अभी, ठीक है, और मैं पैसे देने का नहीं हूँ। फिर वो भज गया, मतलब 1 करोड़ रुपये लेके भजाया। वो बहुत लड़कों के थे बेचारों ने, बहुत ज़मीन बेच के दिए, अपना घर बार बेच के दिया, बहुत कुछ के मिल गए, कुछ के ना मिले। किस चीज़ की नौकरी दिलवाना चाह रहा था? आर्मी की। अच्छा ये लड़का रहने वाला कहाँ का है? अव्वलपुर निवासी। अच्छा ये कौन से थाना क्षेत्र में पड़ता है? कौन से थाने क्षेत्र में पड़ता है? नौगावा थाना। अच्छा तो आप क्या चाहते हैं इसमें? सर हम ये तो यही चाहते हैं कि हमारे पैसे मिल जाएं। एसपी साहब ने, उसको मैंने एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन लगाने के बाद सर कह रहे हैं कि ठीक है मैं करता हूँ, मैं दिलवाता हूँ आपके पैसे। एसपी साहब ने कहा, कई बार कहा और फ़ोन भी किया। तो आपने नौगावा थाना में शिकायत की? नौगावा थाने में मैंने शिकायत की, नौगावा थाने वाले कोई भी कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। नए इंस्पेक्टर साहब तो लाइन हाजिर हो गए अब। अच्छा अब नए वाले आए हैं, उनसे बात की है तो थोड़ा